हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आईएफएल सिक्योरिटीज के स्पेशल वेबिनार में आपका स्वागत है। ये वेबिनार हम हर महीने की फर्स्ट फ्राइडे को रखते हैं, जिसमें संजीव भसीन सर अपना व्यूज और मंथ के बारे में बताते हैं कि आने वाले इस महीने में कैसा रहेगा मार्केट का आउटलुक, आप किस तरीके से कहाँ निवेश करके अपना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के स्पेशल वेबिनार का जो टॉपिक है हमारा, जो कि आईएफएल क्लाइंट्स के लिए स्पेशली है, वो है इंडाइसेस हिट न्यू हाईज, वेयर टू मेक मनी इन ऑगस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट्स निफ्टी 16,000 के पार कब से, पिछले हफ्ते से है, एंड उसने उस लेवल को पकड़ के रखा हुआ है। तो उसी पर आज हम भसीन सर से जानेंगे कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है या इन्वेस्टमेंट का जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। ओवर टू यू संजीव सर। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सबको नमस्कार। Hope you all are well, healthy and wealthy. If you are following us, you have made lot of wealth or you have been invested in the market. आप सबको कहा था पिछले महीने जब सब जूझ रहे थे 15,500 के, अगर you will see much higher levels in August, और देखिए 31 जुलाई को नहीं हुआ लेकिन 3 दिन बाद हो गया 16,000, और अब 16,200, 300, 350 तक आपने हिट कर लिया। अब इंडेक्स ने तो काफी मूव दे दी, तो यहाँ से एक्सपेक्टिंग आउट परफॉर्मेंस थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन अभी भी लोगों का फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट इतना लार्ज है कि लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वेटिंग कि करेक्शन आएगा तब लेंगे। करेक्शन आए ना आए, आपका निवेश क्या है? अगर आप सोचोगे ये वापस 15,000 जाएगी और आप ले लोगे, ऐसा नहीं होता। देर इज ऑलवेज अ पोर्टफोलियो और अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये कहने की बात है कि मैं नीचे ले लूंगा ऊपर बेच लूंगा, ऐसा होता नहीं है। जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसे कमाना है, उसको उसको इन्वेस्टेड रहना है 365 दिन। उसको कोई इजी मनी नहीं मिलने वाली। इजी मनी उस ट्रेडर की है जो टाइम करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर नेवर बिकम्स अ ट्रेडर एंड द ट्रेडर नेवर बिकम्स द इन्वेस्टर। उसका उदाहरण सिंपल है, इफ यू ट्राई टू ट्रेड इन्फोसिस एंड सोल्ड इट एंड नेवर बॉट इट बैक इन द लास्ट 10-12 years, you have missed on the greatest wealth creator in history. Similarly, अगर आपने आरकॉम ट्रेडर बन के लिया और 850 पे फंस गए और नहीं निकले, तो वो आज हिस्ट्री हो गई, सारा पैसा डूब गया। सो ट्रेडिंग इज अ सिंपल थिंग। आप भाव के साथ सौदा करते हैं, भाव भगवान से। जो गुजराती लोग हैं उनको समझ है कि भाव ही सब कुछ है, उसके उसमें ट्रेडर के साथ नहीं मिक्स करना, और ट्रेड उसका ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं मिक्स करना होता। ऐसा है, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, जाके और लोग ज्वाइन कर लें। वी विल स्टार्ट इन अनदर 2-3 मिनट्स। बट मैंने जैसे आपको कहा, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज अ सेपरेट प्रोसेस। कीप योर एलोकेशन व्हेन यू ट्रेड आपको स्ट्रिक्ट रखना है कि व्हाट इज माय हेज, व्हाट इज माय प्रॉफिट आउटलुक एंड वेयर डू आई स्टैंड। आई कैन नॉट प्ले अगेंस्ट द मोमेंटम एंड नाइदर कैन आई बी अवे फ्रॉम द मार्केट। इफ आई एम अ ट्रेडर, आई हैव टू ट्रेड द प्राइस। भाव के साथ सौदा करना है। मैंने ये नहीं सोचना कि मैं आज रिलायंस लेके रख लूं और बाजार अगर नहीं चल रहा है या रिलायंस नहीं चल रहा, तो वो तो इन्वेस्टमेंट इज अ सेपरेट थीसिस। यू आर बाइंग अ बिजनेस, आप लेके रख रहे हैं और निवेश कर रहे हैं कि अगले 2, 4, 5, 10 साल जितनी आपकी कैपेसिटी है वहां पे ये पैसा बना के दे। तो नेवर लेट योर ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट बिकम एन इन्वेस्टिंग इंस्टिंक्ट, एंड नेवर लेट द ट्रेडर इन यू बिकम द इन्वेस्टर। The investor and trading is a separate basket. Coming to the market, आपको हमने जब last 2 महीने से गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं जो जो शेयर है वो चलेंगे, आपके साथ आउटलुक भी रखा, इंडेसिस भी बताए। अभी भी हमें लगता है कि अगस्त में 16,400, 16,600 जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कहाँ हैं? Banks have given a very sweet rally in the last 3 days, और अभी भी मुझे लगता है banks में है। अभी चलेगा तो पहले लार्ज कैप HDFC, ICICI, कोटक, लेकिन सून इट विल स्प्रेड टू द अदर मिड कैप बैंक जहां रिजल्ट्स हैव बीन गुड एंड देयर हैव बीन सम डिसअपॉइंटमेंट्स। सो द डिसअपॉइंटमेंट्स ऑब्वियसली आर लैगिंग, बट वो एक परफेक्ट मार्केट है। IT इज शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जो आपको 2 महीने से मैं कह रहा था जो अंडर परफॉर्मर है भारती, वो चला है। भारती 500, 510, 520 पे मैंने बहुत जोर से कहा,
और आप देखिए भारती सिटिंग अ न्यू हाई, न्यू 52 वीक हाई, और अभी भी मैं कहता हूँ 650 से 700 तक जा सकता है भारती। उसके अलावा आईटीसी एक लार्ज आउट परफॉर्मर, जो मैं बहुत बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ। आईटीसी का नया अवतार, अगर उन्होंने डीमर्ज कर दिया सिगरेट फ्रॉम दी अदर बिजनेसेस, इट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो आपको यहाँ आईटीसी नियर टर्म के लिए 250 रुपए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 300 सवा 300 भी हो सकता है इन द नेक्स्ट वन ईयर। तो अब मार्केट की क्या क्वालिटी है, मार्केट विल बी गुड इन ऑगस्ट, दे विल बी अप्स एंड डाउन बट एक्सपेक्ट टू बी देयर। हाउएवर आपने देखा है इट इज मोर टू डू विद द लार्ज कैप्स विच आर आउट परफॉर्मिंग एंड मिड कैप्स आर अंडर परफॉर्मिंग, वेदर इट्स बैंक्स और मेटल्स एंड सो ऑन। अब देयर इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल, अर्निंग्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड। आज आपने देखा हिंडालको, बर्जर पेंट, मुथूट फाइनेंस, रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और ये बता रहा है कि दिस मार्केट इज नॉट राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, देयर इज एन अर्निंग्स कैलेंडर विच इज प्लेइंग आउट वेल, और हमें लगता है ये तो अभी शुरुआत है, अर्निंग्स विल डेफिनेटली कैच अप, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट फॉर द लेंडर्स एंड दे विल डेफिनेटली आफ्टर दिस one or two quarters and the second wave come back with a vengeance. So I am very bullish on autos, mid-cap banks, construction, real estate. Those stocks have done extremely well and I think we can see much more color from them. So I think we'll start the PDF, we'll take it from there and Shweta, can we start? Sure, sir. So meanwhile, we are getting a lot of messages on YouTube and on our chats also, wherein people are thanking you for the call on Bharti. Bharti, Equitas, Godrej Consumer, they've all done extremely well. We gave you quality stocks with what we did. And now we are again putting our... So we are saying indices had hit new highs. Where are you going to make money in August? Aap August mein kahan paisa kamaoge? Kyunki indices new high pe hain, but aapke stocks nahi chale. Aur ye ek dubhida rahegi. It is not so easy. And there will be the constant, you know, buying and selling in sectors and so on. So let's start with this, then we'll go ahead and we'll give you more color on the markets, what we think is the color and so on. We can start with that. Next. So, dekhiye, vaccine gets widespread. Ek din mein 85 lakh lage, ab 50 crore ho jayenge agle 3 din ke baad. 50 crore log vaccinate ho gaye. Aur ab jo fear element hai second wave ka, wo utna zyada nahi hai. बट अभी भी आपको फार्मा और पैथोलॉजी लैब डरा के रखेंगे, थर्ड वेव आ रहा है एंड सो ऑन, लेट्स गो। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पहले अपने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद डेल्व कीजिए। लेकिन ये बता दूं, क्योंकि यूएस में केसेस बड़े हैं, वहां पे अभी इजी मनी पॉलिसी रिमेन, सो लिक्विडिटी इज अबंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन विच रिस्क कास्ट विल गो। स्टॉक्स आर नॉट चीप एंड नेवर विल बी, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट। Government is taking extremely good measures to curb the impact of COVID-19. And let me also tell you that now our infrastructure is fairly geared up. After jo second wave mein humare se mistakes hui as a institute, as a country, as an administration, wo sab third mein nahi hone wali. To touchwood, if God be kind, humara ye teesra wave bhi agar nikal gaya, then look at the spending pattern. There is a huge amount of vengeance spending because log bag oop chuke ghar baith ke. Aap kya, aapki gharwali bachche bol rahe bahar jane ka hai, to bahar aap trip ke liye jao ya vehicle khareedo ya expenditure karo, paisa kharch hoega. Ye market keh rahi. RBI ne aaj bhi accommodative policy rakhi aur unhone repo aur jisko LTRO kehte hain, long term reversal of, wo wahan pe bhi abhi bhi liquidity di hai. Recovery in rural income, consumer discretionary spends are extremely good. Improving economic growth trajectory, RBI itself has upped the growth rate despite saying that inflation is a short-term aberration. Because hamara crop bhi achha hai aur barsaat achhi hui hai, so you should have good food grains coming which will ease prices on inflation. The other caveat is ke oil has been a problem, but we have not cut prices because government needs money as the excise. But I think agar consumption ke paas jab season aayega festival, there will definitely be a rate cut on the diesel and fuel price, which can again spur growth. FDI investment in India will be a big boost, which is happening. PLI and the manufacturing base in India shifting has done a lot of good. Next.
तो आपने देखा है क्रूड ऑयल ने कैसे रैली दिया, इट्स ऑल टू डू विद इनहेरेंट रीओपनिंग ग्लोबली. नाउ क्रूड इज स्टेबलाइजिंग, तो इट इज मेड अ टॉप ऑफ 73 to 75. Now it's in that band of 68-70, but crude is an engine of growth. अगर growth होएगी तभी crude में spurt आएगा, so take that with a pinch of salt. Gold is in a no-brainer, माने gold is declining or it's consolidating because the strength of the dollar is playing out on a weak dollar gold basis. और वो इसलिए है क्योंकि US yields are all over the place. पहले ये अटकली थी मई में कि US yields are hitting 1.74, it is very inflationary. Now yields are hitting 1.15, which is very reflation, which means growth nahi hai. So the US is also in a conundrum, where do they go from here? And there is also an equal amount of people who are pessimistic with the optimists. Ye hota hai, kyunki left out feeling itni large hai ki har aadmi kehta hai market crash karegi tab main aaunga, ya hope karte hain ki crash kare, aisa hota nahi hai. Realistic level mein there can always be corrections which are healthy for the market. Next. So markets at record high, and we are seeing that despite all the conundrums and the soothsayers, we have been up and up and up. और मैं आपको फिर बोलता हूँ 1500 पे सब मंदी में आ गए थे. मैंने ही खड़े होके आपको कहा था एंड जुलाई या फर्स्ट वीक अगस्त में 16,000 जरूर आएगा. और देखिए क्या स्वीट रैली आई है. ये लास्ट के 1000 पॉइंट 700 पॉइंट तो आपको पता भी नहीं लगा कैसे आ गए. दिस इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर. वी कैन that should see these things much before time, so that has helped. Next. RBI keeping repo rate at 4% with accommodative stance, tracking stable economy, tracing stable economy, US dollar seeing strength, inflation. Dekhiye dollar mein strength aayi hai, 89 se it has gone to 92, but it is consolidating. Dollar is not a strong asset class. It is oversold, so there are pullbacks. I expect dollar to go back to 87 in the near next 6 months. Or dollar ki weakness plays out as strength in emerging market, in commodities, and in bond yield. So all these three play out. The dollar weakness over a period of time is imminent. In the short run, it is causing this volatility in the US yields and gold. Locally, third wave is expected to have a much less impact. Or, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी, it is a very, very big positive. अगर आपने पढ़ा हो तो मॉडर्ना ने कहा है कि our third booster shot has a very good efficacy against the Delta variant, which is another given shot in the arm. But let me again reiterate, markets are not cheap, they are at all-time highs. You can see the susceptibility of a 5% correction anytime. And it would also be prudent to learn to hedge yourselves, which is why we are saying ke yahan pe the indices are at all time high. How will you make money? So your making money has to be with a little bit of instinct of being a trader also, where you can play for the short term. Short term means aaj aapne TCS Infosys liya aur State Bank aur ICICI bech diya to aapka hedge tha, aur aaj main aapko 2-3% mile, to aise aapko hedge ideas banane padenge. Our derivative teams, our option teams keep giving you suggestions. We have a very, very active desk on the option side. So, वहाँ पे आप अपना exposure बढ़ाइए, समझिए और फिर participate कीजिए. Earnings and guidance are very positive in large and mid-cap corporates, which tells me that this market is on the big basis of fundamentals. Markets can always be cheap or expensive, but you have to see the underlying. Underlying is that there is growth momentum, there are green shoots on all parts of the economy. Next. Mid-cap ka 100 ka index dekhiye, 145% return against Nifty 100, which is telling you ke last 1.5 saal mein jo paisa mid-cap mein banaya wo 5 saal mein nahi aaya. Aur wo isliye main keh raha hu ke abhi bulls ke muh mein to khoon laga hua hai, wo kaise chhodenge market. वो अगर लार्ज कैप से निकलते हैं तो मिड कैप चल जाते हैं, तो यू हैव टू बी, अगर आप प्रेजेंट हैं तभी आपके पास पैसा है या वेल्थ है, अगर नहीं है तो आप बाहर बैठे हुए हैं. वैसे आप विश कर सकते हैं कि एक्स हो या वाई हो. सो मार्केट्स आर ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन, अबाउट बीइंग देयर. देयर आर नो फ्री लंचेस. जो आपको आज कहता है कि मैं 15,000 या 14,000 पे लूंगा, वो सब या तो फरेबी है या झूठ बोलता है. ऐसा कुछ नहीं होता. आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको फॉल्स भी देखनी है, राइजेस भी देखनी है. लेकिन अगर आप हैं
तभी आपको पैसा बनाकर देगा या वेल्थ क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीनेशन की क्या तादाद है एंड हाउ इट्स ग्रोइंग। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द आउटलायर्स एंड आई स्टिल थिंक दैट आर ऑल क्रेडिट टू आर एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरह से अब जो सुविधाएं की है और हैंडल किया है। एंड आई थिंक दैट आगे जाते हुए बाय द एंड ऑफ द ईयर एटलीस्ट 55% 60% ऑफ आर पॉपुलेशन विल बी फुली वैक्सीनेटेड और मे बी 70%, एंड दैट शुड बोड वेरी वेल फॉर 2022। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की डाइवेस्टमेंट इज इन फुल फ्लो। दे हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकोर, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। 2% इन सूटी दे स्टॉक सोल्ड इन एक्सिस बैंक। इंक्रीज्ड एलोकेशन टुवर्ड पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन। प्रपोजल टू प्राइवेटाइज पीएसबी, आपने देखा ही है कि सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अप फॉर की सेल एंड दे आर वेरी वेरी सो द मनी इज नाउ गोइंग, जो 70 साल में नहीं हुआ, टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। इसका मतलब के भगवान ने ना करे तो कभी ऐसी और चीज आए तो वी विल बी मच मोर गेड अप। देखिए, इसलिए नहीं कि यूएस इज नॉट कंसिडर्ड एनिमल बिकॉज ऑफ दिस, दे आर कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि उनकी प्लानिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे आर द लार्जेस्ट डेटर इन द वर्ल्ड, बट उन्होंने 4 टाइम वैक्सीन लेके रखी है अपने हर सिटीजन के लिए, विच टेल्स देम दैट देयर फ्यूचर प्लानिंग इज एक्सेलेंट। और वो ह्यूमन लाइफ को बहुत वे करते हैं, गिव इट प्रायोरिटी, वहां पे बहुत उसकी सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ एपथी है, कोई मर गया तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा उसके लिए वो विषाद नहीं होता। So it's all about how you care for your people, and the longer term policies on healthcare are now going to be very, very active, which means healthcare, pathology lab, medicine, all things doing with pharma are going to be in a long term bull market. Next, divestment mein 23,220 for public healthcare, 1.5 lakh crore ki emergency line, 1 lakh crore की कोविड अफेक्टेड सेक्टर, 33,000 फॉर एनआईए एंड मोर देन 19,000 फॉर भारत नेट प्रोजेक्ट, विच मीन्स के जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत खर्चा हो रहा है। साथ में ये लेके चलिए कि यूएस हैज एलोकेटेड $1.9 trillion फॉर देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, और दैट विल मीन के इंडिया में भी वही चीज होगी, रोड, स्पोर्ट्स, इनलैंड, all these are going to be priority sector, jisse jobs bhi create hoye aur employment bhi generate hoye, and the reopening will see how well we handle this whole thing and how well we reopen the country to a lot of things. I'll be coming out with sector specific for that. Next, so dekhiye, ye aapke returns hain, Bharti, Godrej, DCB Bank, Equitas have given excellent returns. We are still very, very positive ke kahin hamare stocks jo hain, they are not all index stocks. They are more or some of them are mid caps. We are very, very positive on them and we will go through them in the next slide. But remember, aapko bane rehna hai tabhi aapko return aayega. Equitas 80 rupaye wala maine badi zor se kaha tha, 140 rupaye bik gaya. DCB Bank 115 aur Godrej Consumer has been a darling of a stock. Same with Bharti, it has just started. So 650 to 675 in the near term. But Bharti is an outlier, given ke now you have a two-pronged attack with Reliance also being there, and Vodafone is in the realm of how it's going to survive. Next. So pharma, consumer staples, IT, financial services, PSU banks, metals are going to be still continue to be the outliers. Aur aapne dekha hai, Tata Steel, Hindalco are touching all-time highs. ये चीज कभी 15 साल में नहीं हुई, और वो इसलिए भी है क्योंकि चाइना फैक्टर है, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, कोई कैपेक्स आया नहीं लास्ट 10 साल में, वेदर इन स्टील फेरस और इन नॉन फेरस, तो इसका मतलब द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज आर रनिंग फुल एंड प्राइसेस आर इन देयर फेवर। नेक्स्ट, नाउ वेयर आर वी स्टैंडिंग, वी थिंक गोदरेज प्रॉपर्टी भी आपको मैंने बहुत पहले से कहा है, 950, 1000, 1050, 1200, 1690 बिक गया, ऑलमोस्ट 1700। गोदरेज प्रॉपर्टी इज द बेस्ट प्ले ऑन रियल इस्टेट, और रियल इस्टेट पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, 2000 का भाव आपको दिवाली तक दिख जाएगा। अब इसमें बने रहिए, भारती मेरा अभी भी पिक है,
आरबीएल बैंक एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म है, लेकिन बने रहिए, दे हैव क्लेंस्ड देयर बुक और आगे जाते हुए यू नो आरबीएल एक्ट टू इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल बिकॉज कॉस्ट ऑफ मनी इज लो. उन्होंने जो कोलैटरलाइज अनकोलैटरलाइज थी वो सब एनपीए में डाल दिया है एंड नाउ दे आर गोइंग टू प्रोविजन फॉर दैट. बट देयर कॉस्ट ऑफ मनी एंड देयर क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. यहाँ मैंने एबी कैपिटल कहा है जिसके रिजल्ट बेस्ट एवर रिजल्ट आए हैं. तो एबी कैपिटल इज अ नो ब्रेनर. एबी कैपिटल में आपको पता है इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, एनबीएफसी है, एबी मनी है, सब कुछ है. सम ऑफ पार्ट्स में इसका भाव 250 रुपए होना चाहिए कम से कम. और ये भी बता दूं कि जो अप्रैल में इनका आईपीओ आना था इंश्योरेंस का वो डिले हो गया है, बट इट विल बी देयर इन द नेक्स्ट टू मंथ विच विल अगेन अनलॉक अ लॉट ऑफ वेल्थ. प्लस इट्स द थर्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो ये सारा फंड ऑफ इफ यू पुट ऑल ऑफ दैट टुगेदर यू आर इन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक और अ कंपनी. बंधन बैंक हैज गॉन थ्रू इट्स क्राइसिस बट एट 300 आई थिंक इट हैज बॉटम्ड आउट. और मुझे लगता है बंधन बैंक 2.5 करोड़ अकाउंट जिसके पास है और ग्रोइंग रैपिडली. मिस्टर चंद्रशेखर सिंह 1.5 लाख आदमी अकाउंट हर महीने खोल रहे हैं वो. तो आई थिंक प्लस आपको ये लेके चलना है कि वर्ल्ड बैंक गिव्स मोर प्रायोरिटी टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एंड दे आर वेरी वेरी दे ऑलवेज विल गेट वेरी वेरी चीप एक्सेस टू फंड्स. बॉश इज माई फेवरेट और इट इज अंडर परफॉर्म क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर चिप्स में शॉर्टेज है. हेंस देयर इज एक्सट्रीमली गुड डिमांड बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज एक्सट्रीमली गुड डिमांड बट द प्रॉब्लम इज दैट semiconductors are in short supply, which is expected to be back in place by from the beginning of October. So, एक महीने की बात है, लेकिन it will come back with a laggard. HDFC Life is one of the best insurance companies. और एक quarter की उनका hiatus है, but they will come back because their gross value net premiums are going to rise very sharply. मुझे ये share 1000 का दिखता है in the next 2 years. Z Entertainment एक और underperformer है. लेकिन अब आपको पता है कि सुभाष चंद्रा जी के सिर्फ 4% है जो उन्होंने बाकी स्टेक बेचना पाया बिकॉज ऑफ हिज अदर कोलैटरल डेट्स. जी इज नाउ अ टेक ओवर टारगेट जहां 300 रुपए का भाव भी कम होएगा. एनबीसीसी मेरा फेवरेट है जो अगेन इज अ प्रॉक्सी टू डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन टियर 1 टियर 2 सिटीज. 75 रुपए का टारगेट आपको जल्दी आ जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 6 to 9 months. नया एंट्रेंट है आईआरबी इंफ्रा. अब जैसे मैंने आपको समझाया रोड बिल्डिंग में दिस इज द लार्जेस्ट प्लेयर. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द गोल्डन क्वाड्रेंगल. इसका ईपीसी बिजनेस बहुत स्ट्रांग है. इट हैज एन इक्वल पार्टनर इन द इनविट विद गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हुज होनिंग 51%. देयर हैम प्रोजेक्ट्स हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और आपको और बताऊं, अभी मैं ट्रैवल करके शिमला गया था 3 दिन. सब जगह टोल टैक्स से fast movement hai because ab fast tag is there. You cannot travel without fast tag, which means that collections and reporting of NHAI are very good and cash receivables. Plus government ne tatkal scheme mein road builders ko aur cash dene ki ye sujav ko bada diya hai. So sum of parts pe 5,500 ki market cap hai. Main agle 2 saal mein iski market cap kam se kam 10 se 12,000 dekh raha hu. To mane 350 ka bhav aapko dikhna chahiye. ये कुछ हमारे स्टॉक पिक्स हैं, इसमें आप बन सकते हैं. वी हैव रिप्लेस सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर आउटलायर्स बट वी थिंक दैट दिस शुड डू वेल इन द नेक्स्ट 1 ईयर, एक्सट्रीमली वेल इन द नेक्स्ट 1 ईयर. अब आपको बाजार का बताऊं. पहली बात, मोस्ट पीपल आर टेकिंग इट लाइटली दैट द ईयू प्रिंटिंग ऑफ मनी विच इज देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉन्ड बाइंग विच मीन लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी इमेंस. तो डोंट टेक दैट लाइटली. The urge for riskier assets is going to remain. Secondly, local results have been extremely good. With the RBI remaining status quo, earnings from Berger Paint, Asian Paint, TCS, Infosys, Tata Steel, Hindalco, or even a Tata BSL has been standout. COVID. US में जो बढ़ रहा है उसकी easy money policy remains. So bond yields are extremely low, which means the cost of money remains low for the borrowers. Aur wo riskier assets mein it will continue to find more avenues. Locally, aapne dekha hai,
NSDL, CDSL, and the whole conduit of stock broking, which we are also has done extremely well. QK demat accounts are rising at the fastest pace, which means that this market is run not by the institutions or the foreigners, it's the local retail money. Or ye सबसे bullish चीज होता है in an emerging market जो रूप बदल रहा है अगले 10 साल belong to India और जैसे जैसे retail focus बढ़ेगा आप देखोगे कि foreign selling or not the local retailer is putting his money where his mouth is which is the most positive thing for India in the longer term दूसरी बात this is the time of the Robinhood trader the Robinhood stock was up 60% in a day because the new millennials are not waiting for You and me and institutions, they are saying we are putting our money where our mouth is. हाँ, derivative और option trading में बहुत active हैं. आपके लिए हमने भी desk बनाया है. Jayesh and Roshan are doing this. They will come out with a product in the next few days. Participate in that. You can have low equity exposure. लेकिन participate जरूर करिए क्योंकि बहुत पैसा बनता है. Trading की तरफ वाकिफ होंगे. We will help you more with that. Open more, get more familiar with that because अभी दोनों तरफ की मार्केट है यहां से करेक्शन आया है तो शार्प हो सकता है यू कैन पार्टिसिपेट ऑन द डाउनसाइड लेकिन आप हेज करके चलेंगे या ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो यू आर आल्सो सेफगार्डेड विद योर लॉसेस बीइंग मिनिमाइज्ड सेकंडली एफएनओ ट्रेडिंग इज अ बैड वर्ड जस्ट इन द नेम ऑफ इट एक्चुअली द ट्रेडर मेक्स मोर मनी बिकॉज ही इज इन एंड आउट और उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आर द लोएस्ट ब्रोकरेज आर लोएस्ट ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट सीडीएसएल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल बिकॉज बिजनेस इज रोबस्ट And participation is there, जो आपको बढ़ानी है Lastly, Chinese volatility, जो China में fiasco हुआ है, is a icing on the cake for India. इससे अच्छा हो ही नहीं सकता Because China में जो ज्यादातर foreign funds थे उन्होंने withdrawal किया They'd rather park their money with TCS or a lever or a reliance, then be subject to volatility in China. और ये अब आपके सामने है कि चाइना वॉलेटिलिटी इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ फॉर इंडिया दैट्स व्हाई इन द लास्ट वन वीक वी हैव सीन द एफआई इज आल्सो टर्न पॉजिटिव देन वी कम टू बैंक्स आई थिंक कोटक एचडीएफसी आईसीआईसीआई इन द लार्ज कैप आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड बैंक ऑफ बड़ौदा बंधन बैंक दीज आर लुकिंग वेरी गुड ऑन द मिड कैप साइड TCS, Bharti, ITC and HDFC are the new leaders. You must have those in your portfolio. Tech Mahindra, HCL Tech are other big clients. And I would say that Cadila Healthcare is another positive. Baki jo aapko maine list di hai, wo hai. Aapko ek aur baat bataun ke पचास करोड़ वैक्सीन हो गई है और अगर अगले चार महीने में 12-15 करोड़ भी हो जाए तो वी आर 50 वे थ्रू मोर देन 60% ऑफ आर पॉपुलेशन सो हर्ड इम्यूनिटी बिकम्स वेरी पॉजिटिव एंड आई एम नॉट इन द कैंप व्हिच सेज दैट द थर्ड वेव विल डिसरप्ट हैव टू मच सो देन रीओपनिंग दैट मींस एंटरटेनमेंट ट्रैवल टूरिज्म ऑल दीज विल बिकम वेरी वेरी रोबस्ट सेक्टर्स एंड द बेस्ट वे टू प्लेस इज थ्रू दीज बास्केट ऑफ स्टॉक्स सो माई कॉल इज दैट ऑगस्ट विल बी अ रिलेटिवली गुड मंथ September may be one of the worst months because there will be a lot of profit booking, lot whatever. We'll see that when it comes. I'm not trying to, forewarn you. But abhi aap hume follow kar rahe hain, toh demat account kholiye, SIP kholiye, apni participation kariye, sare family members ko, sare relatives ko, because the stock market is poised to do well in the next 2-3 years. And India is at the cusp of a large outbreak because our demat and our जो आपके पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके साथ मैं विश्राम दूंगा वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स आई लीव इट टू श्वेता टू कोऑर्डिनेट दैट थैंक यू ऑल वेरी मच स्टे सेफ स्टे वेल एंड स्टे इन्वेस्टेड विद आईएफएल सिक्योरिटीज कीप फॉलोइंग अस वी विल सी टू इट दैट यू एंड योर वे लाफिंग टू द बैंक एंड वी विल टेक अप दिस एवरी मंथ फॉर यू थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं तो मैं ये जूम के एज वेल एज यूट्यूब लाइव के क्वेश्चंस लूंगी तो सर सबसे पहले आपका व्यू शुगर एंड पावर सेक्टर के ऊपर तो देखिए शुगर हैज बीन एन आउटलायर और वो राइटली सो बिकॉज डिमांड सप्लाई का मिसमैच है यहाँ नहीं ग्लोबली बट वहां स्टॉक्स भी बहुत चल चुके हैं तो मैं तीन नाम लूंगा आपको इन तीन पेडिग्री स्टॉक्स में होता है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड बलराम
पुर्चिनी या एआईडी पैरी, आई स्टिल लाइक दी स्टॉक्स। अगर आप करें तो सिप करें, बाकियों में इतना मत ध्यान कीजिए बिकॉज उनमें रन अप बहुत ज्यादा है। यू कैन इवन सी, अगर ये साइक्लिकल कमोडिटी है, अगर क्रॉप आउटपुट अच्छी आई देन दे कैन बी अ करेक्शन इन दैट। इन पावर इट्स अ नो ब्रेनर, पावर हैज कम आउट फ्रॉम द बेस्ट वर्स्ट क्राइसिस इन द लास्ट 10 इयर्स। पावर सप्लाई इज एट एन ऑल टाइम हाई और घर बैठे बैठे पावर कंजम्पशन और कॉस्ट एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज वो लो है। तो आई स्टिल थिंक एनटीपीसी कैन बी 150। आई एम वेरी बुलिश ऑन पावर ग्रिड। टाटा पावर आपके सामने है 35, 40, 50 पे, मैंने कहा 140 है, 170 जा सकता है। बट अगेन ये शेयरों में सिप कीजिए क्योंकि आपको अगर रिटर्न चाहिए। REC PFC मेरे दो फेवरेट्स हैं, बहुत टाइम से लोगों को पता है, वो आउट परफॉर्म किए हैं। सिप कीजिए 4-5 शेयरों में, नहीं तो कोई म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें पावर का उन्होंने स्टॉक बास्केट बनाई है। सर क्या हम ऐसा कोई बास्केट ला रहे हैं जिसमें हम रियलिटी स्टॉक्स को के बारे में बताएं या वो ऑफर करें? नहीं, वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, हम आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF और प्रेस्टीज एस्टेट, ये तीनों में बने रहिए। कंस्ट्रक्शन साइड पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ। NCC आपको एक नया शेयर दिया है और बिलीव मी सबको दिलाइए, IRB इंफ्रा विल बी अ डबलर इन द नेक्स्ट 1.5 इयर्स। सर अभी क्या सही समय है होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का? श्वेता सही समय तो कभी नहीं होता। 70 रुपए पे इंडियन होटल कोई लेने को तैयार नहीं था, 149 हो गया। अभी भी मैं सोचता हूँ कि रीओपनिंग कैन बी ह्यूज। इंडियन होटल स्टिल रिमेन माय प्रेफर्ड प्ले, बट आई डोंट इवन रूल आउट के एयरलाइंस विल बी चॉक ब्लॉक। अब उनके लिए रेगुलेटरी कंसर्न्स एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर ह्यूज, बट आई स्टिल थिंक इंडिगो हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। सो इंडिगो एंड इंडियन होटल्स आर टू स्टॉक्स व्हिच आई एम वेरी बुलिश। सर लोग ये भी पूछे इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में, आपसे जानना चाहते हैं कि हम कुछ मतलब जो ट्रेडिंग करके हमें एक वीक में कितना अर्निंग का टारगेट रखना चाहिए, 3-5% या उससे ऊपर? आपके हिसाब से कितना अर्निंग टारगेट सही होता है अर्निंग के लिए? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता। आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे डे ट्रेडर बन जाइए। दो चीजें लीजिए, दो चीजें बेचिए, या कवर्ड कॉल कीजिए। अगर एक फ्यूचर लेते हो तो उसके कॉल जो है वो बेच दीजिए, तो आपको प्रोटेक्शन होती है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इंट्राडे में पैसा लेके जाए, चाहे वो 2% हो या 1% या 3%। पैसा कमाना बड़ी चीज है, एक बारी आपको खून लगेगा आपको अपने आप आ जाएगी। हमारे डेरिवेटिव डेस्क से जुड़िए और वो आपको और सजेशन देंगे। बट प्लीज स्टार्ट ओपनिंग योर हैट एंड योर परसेप्शन दैट ट्रेडिंग इज नॉट अ बैड वर्ड। अगर आपको सही तरीके से समझ आ जाए तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विच कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इनकम। सर ऑटो सेक्टर पे आपका व्यू, M&M और जैसे ये ऑटो एंसिलरी या बैटरीज में हमारा राजा, ये सब में आपका व्यू? बहुत पॉजिटिव। M&M इज माय टॉप पिक इन द 4-व्हीलर साइड विद मारुति, और मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद अशोक लीलैंड। आपने सही किया, अमर राजा एंड एक्साइड आर द बेस्ट प्लेस। देयर इज अ डुओपोली ऑन द बैटरी फ्रंट, बट क्योंकि लिंक और जिंक और लेड के भाव बढ़े हैं, उनके मार्जिन थोड़े हट हुए हैं। बट आपको पता है कि गाड़ियां खड़े खड़े भी अब कितना चेंज आएगा, तो दीज आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट दिस सेक्टर। M&M कैन गो टू बैक टू 1,000 rupees इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अशोक लीलैंड 175 एंड सो ऑन। सो टाटा मोटर अगेन इज अ ग्लोबल प्ले, और उन्होंने कहा है दिस टेंपरेरी हायटस इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑटो। सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आपका व्यू? तो हाउसिंग में आप देखिए HDFC ने क्या रिजल्ट दिए हैं। LIC मेरा एक रिकमेंडेड स्टॉक था 450-475, वो लैगार्ड है, मगर आप रॉन्ग नहीं जा सकते क्योंकि LIC द पेरेंट कंपनी हैज बॉट स्टेक एट 520। तो इट्स अ टेम्पररी फील क्योंकि रिकवरी इस श्वेता इन 3 महीनों में बहुत प्रॉब्लमेटिक थी बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। आई थिंक जाते आगे जाते हुए क्रेडिट इज गोइंग टू एक्सपैंड। मैं यहाँ बंधन बैंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंधन एक्वायर्ड ग्रुप फाइनेंस। ग्रुप फाइनेंस इज द स्मॉल टिकट प्लेयर जो 10-15 लाख का लोन देती है और वो बहुत वाइब्रेंट है, इसलिए बंधन फिट्स द बिल परफेक्टली एज अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर एंड अ स्मॉल टिकट मॉर्गेज कंपनी। तो HDFC एंड बंधन आर माय 2 picks। सर एक बैंकिंग सेक्टर पे आ रहा है कि कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक और DCB बैंक पे आपका व्यू? बिल्कुल, ये सब शेयर बिल्कुल सही हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में आपको पता है मिस्टर वैद्यनाथन से मेरी कॉल पे बात हुई थी जब आपकी प्रेजेंटेशन आई थी, प्री
प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट फ्रॉम द हिस्ट्री आया 631 करोड़, लेकिन उनका 3200 करोड़ ये अब हायरार्की है, तो दे हैव अ लोन बुक अगेंस्ट वोडाफोन और कुछ और स्टिकी अकाउंट्स है जो सब उन्होंने प्रोविजनिंग की, देयर प्रोविजंस वर द हाईएस्ट. NIMs have come at 5.12. You can't go wrong. अगर आपकी विंडो थोड़ी लंबी है तो ट्रेडर मत बनिए, इनमें निवेश कीजिए. आपको मैं बोलता हूँ 75 रुपए का भाव, उससे ज्यादा भी आ सकता है इन द नेक्स्ट वन ईयर. सर व्यूज ऑन BPCL एंड IOC. वेल, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और अभी भी मुझे लगता है IOC, जब BPCL की बोली लगेगी उसकी वैल्यूएशन होगी, इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव. सो आई अगेन रिइटरेट द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इन अ स्वीट स्पॉट. They've been able to pass on all the price rises and they become proxy to the reopening trade where oil consumption can be very sharp. Correct. Sir, I'll take one last question. So people are asking any stocks or sectors which they should invest now and hold till Diwali? That's a good one. So I told you Ashok Leland, I like Bandhan Bank. These are mid caps. I like Godrej Property, but I'm telling you two dark horses, AB Capital and IRB Infra. Don't look for Diwali, look for year end. You can be surprised on the upside. Sir, ek aur bas last, ye ITC pe 3-year view. 350 rupaye ka bhav aapko ek saal mein aa jayega. ITC mein agar demerger hua ya nahi, unka aapne bahut acha yaad dilaya. Dekhiye ITC mein इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट आए ऑन दी एफएमसीजी साइड. कहां आईटीसी का एफएमसीजी होता ही नहीं था. साथ में लोग बाग पेपर के स्टॉक्स को रीवैल्यू कर रहे हैं. आईटीसी भद्राचलम इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्प. जितने आप स्टारबक्स का कॉफी पीते हैं सारा पेपर रिसाइकल्ड इज फ्रॉम आईटीसी. आईटीसी भद्राचलम इज अ पार्ट ऑफ आईटीसी. मैं कहता हूं सिप कीजिए, लेकिन ये स्लो बट श्योर है. लेकिन 300 रुपए का भाव आपको अगले 3 साल में तो 350 का भाव आया ही आया एक साल में. सो थैंक यू एवरीवन. आई वाज नॉट एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस हियर. हाउएवर यू कैन राइट टू अस फॉर टू मिस्टर संजीव भसीन एंड वी विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. यू कैन राइट टू editor@ifl.com एंड वी विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल योर क्वेरीज. फॉर द मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट यू, बिकॉज दिस सेशन वॉज फॉर आर क्लाइंट्स, एक्सक्लूसिव फॉर आर क्लाइंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स टू ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट विद IIFL एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद आर एक्सपर्ट्स लाइक मिस्टर संजीव भसीन, जयेश भानुशाली, एंड यू नो यू विल गेट ऑल द बेस्ट ऑफ रिसर्च एंड टेक एडवांटेज एंड मेक मनी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू संजीव सर. थैंक यू.